श्रावण मास का आरंभ हो चुका है। शिव को समर्पित ये कैसा महीना होता है जिसमें चारों तरफ का माहौल शिव भक्ति में डूबा होता है। यूं तो सावन का ये महीना हर किसी के लिए खास है, क्योंकि इस दौरान की गई शिव भक्ति, शिव आराधना हर किसी को फलदायी मिलती है। लेकिन दो ऐसी राशियां हैं जिनके लिए श्रावण मास खास रहने वाला है। जी हाँ, इस बार सावन के पहले सोमवार को दो अत्यंत शुभ और विशेष योग का निर्माण हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के पहले सोमवार के दिन दो राशियों में बेहद ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है, और इसी के दिन कर्क राशि में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसी दिन कर्क राशि में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योग और ग्रहों के ऐसे कई कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। कुछ योग हमें जीवन में बुलंदियों तक ले जाते हैं तो कुछ हमारी जिंदगी को संघर्षपूर्ण भी बना देते हैं। और ऐसे में कर्क राशि के जातकों में बन रहे इस बुध आदित्य योग की अगर हम बात करें तो यहाँ सूर्य बुध की युति राजयोग का निर्माण करती है। इस योग में लोग अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर दुनिया पर राज करते हैं। इस दौरान लोगों की वाणी प्रभावी होगी और लोगों का नेतृत्व कर मान सम्मान और प्रतिष्ठा ये लोग हासिल करेंगे। तो राजसत्ता के कारक सूर्य जहां इन लोगों को शोहरत देंगे इस सोमवार से, तो वहीं बुध के कारण धन के भंडार भी इन लोगों के भरेंगे। अब ऐसे में सावन के पहले सोमवार में कर्क राशि में बन रहे बुधादित्य योग का निर्माण इन लोगों की झोली देखिए शोहरत और धन से भरने वाला है। अब अगर हम बात करें दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति यानी कि गुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा भी इसी राशि में गोचर करेंगे, और जब देखिए चंद्रमा और सूर्य की युति होती है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज यानी हाथी और केसरी का अर्थ यानी कि स्वर्ण, इसलिए इस योग में गज के समान शक्ति और धन दौलत की प्राप्ति होती है। ऋषि पराशर के अनुसार गज के श्री योग के फलस्वरूप व्यक्ति कुशल राजसी सुखों को भोगने वाला, उच्च पद प्राप्त करने वाला, वाद विवाद व भाषण कला में निपुण होता है, और जो कि श्री गणेश जी की बुद्धि के देवता होते हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी बौद्धिक शक्ति के आधार पर धन दौलत मान सम्मान सब कुछ इसी योग में प्राप्त करता है। बहुत बार ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और अध्यात्म की तरफ भी उनकी रुचि बढ़ने लगती है। तो देखिए सावन के पहले सोमवार में कर्क राशि में जहां बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कुंभ राशि में गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब दोनों ही योग देखिए शुभ और उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति की झोली खुशियों और संग पैसे भी भर देते, और इसी कारण सावन का पहला सोमवार कर्क और कुंभ राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है, और इसी दिन से इन लोगों के अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे। तो इस सावन आप भी श्रद्धा पूर्वक शिव भक्ति कीजिए और भोले की कृपा पाइए। मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा।